अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशंस की, जो हमारे पास बुक है चर्चल की, इस एक्सरसाइज का सलूशन प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन वन के तीन पार्ट्स हैं और ये जस्ट हमने रिड्यूस करना है इन क्वांटिटीज को रियल नंबर्स में। पार्ट ए में हमारे पास है 1 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 अयोटा प्लस 2 - अयोटा ओवर 5 अयोटा। इसको हम रैशलाइज करेंगे इन टर्म्स को, अलग अलग रैशलाइज कर लेंगे, तो 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 अयोटा प्लस 2 - अयोटा और 5 अयोटा को रैशनलाइज करेंगे, -5 अयोटा डिवाइडेड बाय -5 अयोटा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 अयोटा, फिर +2 अयोटा × 3 +6 अयोटा +2 अयोटा × 4 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से -8 आ जाएगा। नीचे 3 × 3 9, -4 अयोटा × +4 अयोटा और अयोटा स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव है तो +16 आ जाएगा। प्लस -5 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 अयोटा और -अयोटा × -5 अयोटा विच इज मीन्स -5, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 है। -5 अयोटा × 5 अयोटा इज इक्वल टू 25, अयोटा स्क्वायर -1 यहाँ भी यूज हो गया। अब सिंप्लीफाई करें, 3 - 8 - 5, 4 अयोटा + 6 अयोटा 10 डिवाइडेड बाय 25 प्लस ये सेकेंड टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी। 25 एलसीएम ले लें, -5 + 10 अयोटा - 10 अयोटा - 5, -10 अयोटा + 10 अयोटा कैंसिल और ऊपर आ गया -10, नीचे 25, 5 के टेबल से इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा -2/5। ओके, बी पार्ट में हमारे पास ऊपर है 5 अयोटा, नीचे ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है। तो हम ये जो डिनोमिनेटर में तीन नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1 को -iota से मल्टीप्लाई किया -iota − 2 - 2 iota और -± और iota स्क्वायर -1 आ जाएगा आपके पास ओवरऑल आंसर × 3 - iota। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 iota × 3 - iota। अब हम ये नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 × −iota − iota आ जाएगा और −3 iota × 3 - 9 iota और −3 iota × iota 3 आ जाएगा। 3 3 से कैंसिल होके डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म रह जाएगी -10 iota। रियोटा को योटा से कैंसिल करेंगे, फेन को 5 से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -1/2। ओके, सी पार्ट हमारे पास है, 1 - iota की पावर 4 को एक्सपेंड करना है तो इसको मैं लिख लूँगा 1 - iota² 1 - iota² का मैंने स्क्वायर ओपन किया तो यह आ गया 1 - 1 - 1 - 2 iota, 1 - 1 कैंसिल हो गया और मेरे पास ओवरऑल आंसर आ गया -2 iota × -2 iota। और -2 iota × -2 iota को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4, क्योंकि iota स्क्वायर -1 है तो -4 है। सेकंड क्वेश्चन में हमने शो करना है कि 1/1/z के इक्वल है वेयर z इज नॉट नेगेटिव। तो 1/1/z वाली हम साइड कंसिडर कर लेते हैं, 1/z को हम लिख सकते हैं z^-1। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं z को, तो z को आ जाएगा z/z, z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो z आ जाएगा और z इनवर्स × z 1 के इक्वल होता है क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सेज है, तो हमें ये याद रखना है कि z इनवर्स × z इक्वल टू 1 होगा और z/1
इक्वल टू जेड आ गया। क्वेश्चन थ्री में हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन यूज करके शो करना है कि ये जेड वन जेड टू जेड थ्री इंटू जेड फोर कैन बी रिटन एज जेड वन इंटू जेड थ्री एंड जेड थ्री टू इंटू जेड फोर। सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो एसोसिएटिव लॉ पहले यूज करेंगे, जेड थ्री और जेड फोर को हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे और फिर हम जेड वन इंटू जेड टू और जेड थ्री इंटू जेड फोर इसको करके लिख देंगे। अगेन एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे और जो जेड टू और जेड थ्री को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसके साथ लिख लेंगे जेड फोर। तो अब हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे, जेड थ्री इंटू जेड टू लिख लेंगे और साथ उसके आ जाएगा जेड फोर। तो अब हम एसोसिएटिव लॉ दोबारा यूज़ करेंगे, जेड थ्री जेड टू जेड फोर को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर अगेन एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो जेड वन इंटू जेड थ्री और दूसरी साइड पे आ जाएगा जेड टू इंटू जेड फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमने शो करना है कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कम अज़ कम एक फैक्टर जो है वो लाजमी ज़ीरो हो। तो जेड वन इंटू जेड थ्री को हमने एसोसिएटिव लॉ से लिख लिया, जेड वन इंटू जेड टू जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री इक्वल टू ज़ीरो और सपोज कर लिया कि जेड थ्री नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जेड वन इंटू जेड टू इंटू वन और वन को हम लिख सकते हैं जेड थ्री इन्वर्स। तो अगेन एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री और इसके साथ आपके पास जेड थ्री इन्वर्स आ जाएगा। अब हमें गिवन क्या है कि जेड वन जेड टू और जेड थ्री की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू जेड थ्री इन्वर्स आ गया और इसका आंसर इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिमिलर वे में हम सपोज कर लेते हैं कि जेड वन एंड जेड टू इक्वल टू ज़ीरो से कि जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगेन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, तो z1 इज इक्वल टू z1 इंटू वन, वन को हम लिख लेंगे z2 इंटू z2 इन्वर्स। एसोसिएटिव लॉ लगा एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो z1 इंटू z2 और z2 इन्वर्स। अब z1 इंटू z2 ज़ीरो है तो 0 इंटू z2 इन्वर्स आ गया विच इज इक्वल टू 0, दिस शो दैट z1 इज 0। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी भी दो या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो उनमें से कम अज़ कम एक फैक्टर लाजमी ज़ीरो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर एट में हमने जो है वो बाइनोमियल फार्मूला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव करना है और किस यूज़ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के दो केसेज हैं, पहले हम इस स्टेटमेंट को शो करेंगे इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन और फिर केस टू में हम सपोज करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के और एंड में हम शो कर देंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। सो केस वन एन इज इक्वल टू वन, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव जेड वन प्लस जेड टू, तो दो ही टर्म्स हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमने एन को वन पुट कर दिया और कम्बिनेशन आ गया वन के जेड की पावर के और जेड टू की पावर वन माइनस के। तो अब हम इन दोनों टर्म्स, ये दो टर्म्स हैं, इनमें पहले के को ज़ीरो पुट करेंगे और फिर के को वन, तो हमारे पास आ जाएगा वन ज़ीरो कम्बिनेशन, फिर जेड वन पावर ज़ीरो जेड टू पावर वन प्लस वन वन जेड पावर वन और जेड टू पावर ज़ीरो, जेड टू पावर वन आ जाएगी क्योंकि जेड वन पावर ज़ीरो है और वन ज़ीरो कॉम्बिनेशन वन होता है, इसी तरह वन वन कॉम्बिनेशन भी वन होता है। तो हमारे पास देखें यहाँ भी जो है वो दो टर्म्स का सम आ गया है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो केस टू में हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। तो अब हम ले रहे हैं z1 प्लस z2 होल पावर m प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं
z1 plus z2 power m. तो z1 plus z2 को हम as it is रखेंगे और z1 plus z2 power m की जगह हम लिख सकते हैं k varies from 0 to m, m k combination m k, z1 power k और z2 power m minus k. तो अब हम z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z1 k z2 m minus k के साथ, समेशन आपके पास एज इट इज, कॉम्बिनेशन भी एज इट इज, और z1 की पावर आ जाएगी k plus 1 इंटू z2 की पावर m minus k. फिर हम z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन समेशन एज इट इज, कॉम्बिनेशन m k, z1 पावर k और z2 की पावर हो जाएगी m प्लस 1 माइनस k. तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनमें जो हम फर्स्ट टर्म में जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं k को बाय k माइनस 1. तो जब हम k को k माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी k वेरीज फ्रॉम 1 टू m प्लस 1 m k माइनस 1 z 1 पावर k z2 पावर m प्लस 1 माइनस k, और सेकंड टर्म आप हमारे पास एज इट इज ही रहेगी. फिर मैंने सेकंड सम में से एक टर्म एक्सपेंड की है, यानी कि k को 0 रखा, तो हमारे पास जब सिंपलीफाई हुआ तो हमारे पास z 2 पावर m प्लस 1 आ गया. फर्स्ट सम में भी मैंने एक टर्म एक्सपेंड कर दिया, यानी कि k को मैंने m प्लस 1 रख दिया, तो मेरे पास सिंपलीफाई होके z1 की पावर m प्लस 1 आ गई और सम रह गया मेरे पास k वेरीज फ्रॉम 1 टू m, m k माइनस 1 और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो एज इट इज आ गई. था और प्लस जो हमारी सेकंड टर्म है वो ऑलरेडी हमने एक टर्म उसमें एक्सपेंड किया, तो उसको दोबारा हम जो है वो एज इट इज लिख देंगे. तो अब हमारे पास टोटल चार टर्म्स हैं, तो सेकंड और थर्ड टर्म में से हम k वेरीज फ्रॉम 1 टू m और कॉमन ले लेंगे, इसी तरह m k प्लस m k माइनस 1 जो कॉम्बिनेशन है ये हम इकट्ठा करके लिख देंगे, और इसी तरह ये जो z1 पावर k है और z2 पावर m प्लस 1 माइनस k है ये हम कॉमन लेके इस तरह इसको रीअरेंज कर लेंगे. बाकी जो फोर्थ टर्म है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगी. तो z1 पावर m प्लस 1 एज इट इज. अब ये जो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का जो है वो रिजल्ट यूज करेंगे कि m कॉम्बिनेशन m k प्लस कॉम्बिनेशन m k माइनस 1 ये इक्वल होता है कॉम्बिनेशन m प्लस 1 k और z1 पावर k एज इट इज और z2 पावर m प्लस k 1 m प्लस 1 माइनस k, और फोर्थ टर्म हमारे पास जो रह गई थी वो थी z2 m प्लस 1. तो अब ये हमारे पास टोटल जो टर्म्स बन रही हैं k जो सेकंड टर्म है उसमें k वेरीज फ्रॉम 1 टू m है, तो m टर्म्स आपके पास जो हैं वो यहाँ पे हैं. तो फिर हमने ये जब दो टर्म जो हैं z1 m प्लस 1 z2 पावर m प्लस 1 हमने ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी k 0 टू एम प्लस 1 और बाकी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो m प्लस 1 k और z1 पावर k z2 पावर m प्लस 1 माइनस k. तो ये शो कर रहा है कि इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर m इज इक्वल टू प्लस 1. तो मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए हमने शो कर दिया कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.